हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, देखो अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं फर्स्ट में आपको डिस्कस कर रहा था कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थ्री में जो आपके पास डाटा आया है, जो टेबल बना था फ्रीक्वेंसी टेबल, उसका डाटा यूज करके आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850। चलो ये तो बाद की कहानी है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। और हिस्टोग्राम में कौन सा डाटा लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो डाटा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये डाटा था आपके पास, ये फ्रिक्वेंसी थी, क्लास इंटरवल चल रहे थे 800 से 810 और ये अप्रोक्सीमेट चला था 900 तक, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी ये थी आपके पास, ये डाटा ही यूज़ करना है आपको और आगे काम करेंगे इसमें, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, वो जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस था वो था 3 2 1 9 5 1 3 1 1 4। और ये इंटरवल्स कैसे चले थे, ये 800 से 810 के लिए था, 810 से 820 के लिए था, फिर 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880 और 880 से 890 एंड 890 से 900। ये था क्लास इंटरवल। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब इसी को यूज़ करना है हमें और हिस्टोग्राम बना देना है, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले तो भाई क्या करेंगे हम इसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये लो, ये है इसका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मैं इसमें यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो, ये इसका एक्स एक्सिस, क्लियर, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा देखते हैं हमें क्या क्या लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आएगा आपके पास, ये क्या आएंगी, वेजेस या क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस कह लो। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं वेजेस, ठीक है, और इस साइड हम लिख देते हैं ये फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, नंबर ऑफ वर्कर्स की, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ वर्कर्स, पहले ही बोला था मैंने नंबर कहीं भी आ जाए तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। ये रहा नंबर ऑफ वर्कर्स और ये रहा वेजेस, क्लियर। तो बस अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये वाला टेबल ड्रॉ कर दो 800 वाला और एक फ्रीक्वेंसी के लिए कर दो ड्रो। देखो फ्रीक्वेंसी में आप खुद सोचो, यहाँ कोई नंबर ज़्यादा तो है नहीं, तो मैं कोई टेबल तो चलाने से रहा दो का तीन का, ठीक है। तो मैं सिंपल 1 2 3 4 5 लिख दूँ, 9 तक ही जाएगी मैक्सिमम, तो बहुत इजी ग्राफ बन जाएगा मेरे पास। मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 9 और ये रहा 10। ऐसे ही वेजेस के लिए लिख देते हैं हम, वेजेस के लिए देखो मैं कैसे बनाऊंगा। देखो ये जीरो से स्टार्ट हुआ था और मैं यहाँ पर इसको 800 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 800 लिख रहा हूँ इस तरीके से, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। तो 0 से 800 के बीच में ये लिया हमने, 0 से 1 के बीच में ये लिया, तो 0 से 800 का गैप तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे zigzag वे में कर देते हैं कि बीच में बहुत सारी वैल्यूज थी, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको 800। फिर सिमिलरली दूसरा गैप, तीसरा, ऐसे ही करते रहेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। अब इनके नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो कैसे लिखूंगा, 800 है तो ये इसको मैंने लिख दिया 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880 और ये रहा 890 और एक और बन गया इसमें 900। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके पास क्या है टेबल में, 800 से 810 मतलब 800 से 810 में कितने हैं वर्कर, तीन, तो तीन वर्कर ये रहे, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको बना देंगे कैसे, ये देखो ये रहा और ये रहा। देखो बार ग्राफ में क्या होता था, गैप आते थे बीच में, यहाँ पर गैप आते थे एक दूसरे के बीच में, इसमें गैप नहीं होते हिस्टोग्राम में, क्लास इंटरवल होते हैं और जब ग्राफ बनाते हो आप तो इसमें कभी भी गैप्स नहीं आते। तो देखो अगर नेक्स्ट क्या है, 810 से 820 के बीच में दो वर्कर्स हैं, तो 810 से 820 के बीच में दो वर्कर्स, तो ये रहे दो, यहाँ से बना देंगे हम इसको, ये रहा टू, आ रहा है समझ में, इसके ऊपर लिख दो चाहे, ये थ्री है ये टू है। ऐसे ही 820 से 30 के बीच में कितने हैं, वन, तो ये लो वन वाला बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद 830 से 840 के बीच में कितने हैं, नाइन, तो नाइन का ड्रॉ कर दो, ये रहा नाइन, तो ये अप्रोक्सीमेट
ठीक है, तो आप जब ग्राफ में स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा ये। ये रहा 9, क्लियर। ऐसे ही 840 से 850 के बीच में 5, ये रहा 5, ये लो ठीक है। ऐसे ही 850 से 860 के बीच में कितना है, 1, ये लो 1, ये लो 1, और ये पिछला कितना था, 5 था। 860 से 870 3, ये लो 3, ठीक है, ये रहा 3 इधर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्या हैं, 1 1 है तो ये लो 1, 870 से 880 1, 880 से 890 भी 1 1 1, और 890 से 900 कितना है, 4, ये रही 4 की लाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये कितना आ गया, 4, आया समझ में कैसे किया, ठीक है। इस तरीके से हम ये इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, जो वो क्वेश्चंस पूछता है वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो इसमें, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। अब आप खुद देख लो किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो देखो ये हिस्टोग्राम से ही पता चल जाएगा आपको। सबसे टॉप वाली देख लो, इसमें किसका बार बना है, ये बना है सबसे टॉप पोजीशन ये है, तो कौन सा ग्रुप है ये, 9 वर्कर्स हैं इसमें, सबसे ज्यादा वर्कर्स 9 किस ग्रुप में है, 830 से 840 के ग्रुप में। तो आप लिख सकते हो कि नहीं इसको, 830 से 840, तो हम लिख देते हैं इसका आंसर फर्स्ट का, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वो कौन सा है ये 9, जिसमें 9 वर्कर्स है, सबसे ज्यादा 9 वर्कर्स ग्रुप कौन सा है ये, 830 से 840 वाला, तो 830 से 840 वाले ग्रुप में है, क्लियर। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्कर अर्न रुपीज 850 एंड मोर, रुपीज 850 एंड मोर, वो कितने वर्कर्स हैं, तो देखो 850 से 860 के बीच में 850 वाला भी आ जाता है, तो 850 और उससे मोर, तो 850 ये वाला इंटरवल, 850 से लेके ये सारे इंटरवल आ जाएंगे इसमें, 850 एंड मोर, तो 850 से 860 वाले में 850 आता है, 840 से 850 वाले में तो 50 नहीं आता, बताया था आपको एक कम होता है, तो नेक्स्ट वाले में 850 से 860 में 850 भी आएगा और मोर भी आ जाएंगे उससे, तो ये देखो कितने बन गए, 1 3 1 1 एंड दिस इज 4, तो कितने बन गए ये टोटल, 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 4, टोटल कितने हो गए, 4 5 6 और 4 10, ठीक है। तो ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिन्होंने 850 अर्न किए या उससे ज़्यादा अर्न किए, वो कितने हैं टोटल वर्कर्स, 10 वर्कर्स हैं, कितने हैं 10 वर्कर्स हैं जिन्होंने ये अर्न किए, ठीक है। उसके बाद कहता है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, अब लेस देन 850 कैसे निकालोगे, देखो लेस देन 850, लेस देन 850 कहाँ तक चलते हैं, ये 850 से 860 में तो 850 और मोर हो जाते हैं, तो 850 से इधर लेस वाले सारे चलेंगे, मतलब 840 से 850 के बीच में कौन से होते हैं, 850 तो काउंट नहीं होता, उससे लेस वाले ही काउंट होते हैं, तो ये वाला भी काउंट होगा, और ये पिछले वाले तो क्या हैं सारे के सारे 850 से लेस ही हैं, ठीक है, तो ये सारे काउंट हो जाएंगे, तो 840 से 850 और 850 से 860 में कन्फ्यूजन होती है यहाँ, लेकिन उसने बोला लेस देन 850, तो लेस देन 850 किस में आएगा, आप इंटरवल देखो ना, 840 से 850 और 850 लास्ट वाला आ रहा है इंटरवल, 840 850, 850 तो नहीं होगा काउंट, उससे लेस वाले काउंट होंगे, तो मतलब क्या ये वाला इंटरवल ले सकता हूँ मैं 840 से 850 वाला फॉर द लेस देन 850, तो ये कितने आ जाएंगे इसमें, 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, इन्हीं को हमें बताना है नीचे ग्रुप को देख के, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 850 से लेस वाले इतने वर्कर्स हैं, तो इनको काउंट कर लो कितना बनता है, 14 15 16 17 और 3 20, 20 वर्कर्स हैं ऐसे, ठीक है, कितने वर्कर्स हैं ये, 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लेस देन 850 ले रहे हैं, ठीक है। लेस देन 850 में कौन सा आएगा, ये 840 से 850 वाले 5 9 और 1 2 3, क्योंकि और सारे तो लेस है ही है, मेन कन्फ्यूजन इसमें थी 840 850 या 850 860, इसमें वो कंसेप्ट लगाओ जो मैंने आपको बताया हुआ है कि 840 से 850 में क्या होता है, 850 वाला नहीं लेते, उससे कम वाला लेते, तो लेस देन 850 यही बनेगी सारी, ये भी काउंट हो सकता है इसमें 5, क्लियर। और ग्रेटर देन 850 में क्या होता है, 850 टू 860, ग्रेटर देन कौन सा, 850, यहाँ 850 भी आएगा और ग्रेटर भी आएगा, यही तो है, क्योंकि उसने क्या बोला आपको सेकंड केस में, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 या मोर, तो 850 ये वाला ही होगा और मोर यही है सारे इसमें, ठीक है। थर्ड में क्या था, हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 850, लेस देन 850 तो यही वाले बनते हैं, ठीक है, ये वाला 5 9 1 2 3, क्लियर है। तो ये इसके आंसर्स थे विद हिस्टोग्राम, ओके क्लियर है, हो जाएंगे नहीं क्वेश्चंस, इजी था ये भी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्ड क्वेश्चन करना है ये आपको, ठीक है, वहीं से, क्योंकि मैंने ये फ्रिक्वेंसी उठाई थी और ये क्लास इंटरवल वहीं से लिए हैं, ठीक है, ओके थैंक यू।